ये क्या हो गया, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही एक और चीज हमारे पास यहां पर आती है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, ध्यान दोगे थोड़ा सा। आप बोलोगे आ रिलेशन आई ऑन सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी इफ आई ए इक्वल टू ए कॉमा ए, यहां पर लिखोगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मैंने यहां बोला आपसे कि रिलेशन आई हमारा सेट ए पर जो डिफाइंड है वो आइडेंटिटी तभी कहलाएगा जब यहां पर क्या होगा ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट ही आएंगे, बल्कि यहां पर ऐसे लिखिए ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ज्यादा क्लियर कर देगा आपके लिए। मैंने कहा आई ए में सारे ए कॉमा ए टाइप के ऑर्डर पर आने वाले हैं जिसमें ए हमारा सेट ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक, मतलब सेट ए के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, जैसे ए बी सी आ रहा है तो ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी टाइप के ऑर्डर पेयर ही इसके अंदर आएंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ पाएगा। तो कुल मिलाकर सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो सेट ए पर आइडेंटिटी रिलेशन जो बनेगा उसमें उतने ही ऑर्डर पेयर होंगे, क्योंकि हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन बनेगा और सिर्फ एक ऑर्डर पेयर ही उससे रिलेटेड आ पाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी कैटेगरी वन में एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम लोग बात करेंगे कैटेगरी सेकेंड के बारे में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कैटेगरी से आपका सवाल 4 या 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में बनता है। ठीक, इसका पहला हम पढ़ेंगे यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लेट ए बी अ नॉन जीरो सेट देन अ रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, बल्कि यहां एक बार और लगा लो एटलीस्ट। ठीक है, क्या कहा मैंने आपसे, मैंने आपसे कहा अगर ए मेरे पास कोई नॉन जीरो सेट है तो रिलेशन आर जो ए पर डिफाइंड है रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब ए कॉमा ए टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में आ जाए। यहां पर एक आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि भाई ए कॉमा ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर ही तो आइडेंटिटी में भी आए थे, यही बात है ना, फिर से मैं कह रहा हूं फिर दोनों में अंतर क्या हुआ। दोनों में अंतर यह हुआ कि मैंने एक वर्ड यहां पर यूज किया एटलीस्ट, कि रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर मुझे जरूर चाहिए, उसके अलावा भी चीजें आ सकती हैं। जबकि यहां पर अगर हम बात करें आइडेंटिटी में तो यहां पे सिर्फ ए कॉमा ए टाइप के ही ऑर्डर पेयर आएंगे, ना उससे एक भी कम ना उससे एक भी ज्यादा। यहां पर ए कॉमा ए के तो सारे आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट ऑलवेज आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी जो होगा हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड, मैं कहूं सिमेट्रिक रिलेशन। अभी तो यहां पे हम लोग डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में ही बात कर ले रहे हैं। अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी चीज फिर से आपको एक बार फिर सही तरीके से फिर से बताऊंगा कि भाई हमने जो डेफिनेशन लिखाई थी उसका हम कैसे यूज कर रहे हैं, डेफिनेशन कैसे हमारी यहां पर जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फिर वही बात, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाई करे बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। क्या कहा मैंने आपसे, मैंने आपसे कोई भी रिलेशन आर किसी भी गिवन सेट पर सिमेट्रिक तभी होगा जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ये कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर ए कॉमा बी आ रहा हो तो बी कॉमा ए भी आना चाहिए, मतलब 1.2 आ रहा हो तो 2.1 भी आना चाहिए, 5.7 आ रहा हो 7.5 भी आना चाहिए,
ठीक है, तो मतलब इस टाइप के सारे ऑर्डर पेयर्स के अंदर प्रेजेंट हूं। ठीक है, तीसरी बात ट्रांजिटिव रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या लिखूंगा मैं इसमें, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड इफ बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाई करेगा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैंने यहां पर आपसे कहा कि अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट हमारा रिलेशन आर में आ रहा है और बी कॉमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर भी रिलेशन आर में आ रहा है, तो ए कॉमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर भी रिलेशन आर में आना चाहिए। लेकिन एक चीज आप यहां ध्यान दो, मैंने एक वर्ड बीच में यूज किया है इफ। इफ का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा अगर ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में आ रहा है और यदि बी कॉमा सी भी आर में आ रहा है तो ही ए कॉमा सी चाहिए मुझे। समटाइम्स क्या होता है कि ए कॉमा बी तो आर में आ रहा है लेकिन बी कॉमा सी आर में नहीं आ रहा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगी वहां पर ट्रांसटिव नहीं होगा, ट्रांसटिव वहां पर होगा। तो ध्यान रखना जो वर्ड में लिखा ना इफ, ये वाली बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए कॉमा बी आ रहा है और अगर साथ में बी कॉमा सी भी आ रहा होगा तो ही हमें ए कॉमा सी की नीड है ट्रांसटिव होने के लिए, और अगर बी कॉमा सी नहीं आ रहा हो तो ए कॉमा सी की नीड नहीं है। मतलब जहां पर ये खत्म हुआ वहां से स्टार्ट होने वाला पेयर अगर मौजूद है तो मुझे ए कॉमा सी चाहिए, और अगर यहां खत्म हुआ वहां से स्टार्ट होने वाला पेयर मेरा मौजूद नहीं है तो मुझे ए कॉमा सी की नीड नहीं होगी। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं याद एग्जाम्पल ही समझाता हूं, मैंने कहा मैंने बोल दिया इसमें, बल्कि ऐसे लिखिए, पहले एक सेट हम लेते हैं यहां पे, लेट ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 16, 20 और 22 और 24। ठीक, बात चल रही है आर के बारे में, रिलेशन दिया मैंने ए कॉमा बी सच दैट ए और बी दोनों सेट ए से आ रहे हैं, और क्या है हमारे पास, और है इसमें ए डिवाइड्स बी। ठीक, ये सेट है, इस पर रिलेशन आर डिफाइंड है, रिलेशन क्या है ए बी को डिवाइड कर दे। ध्यान दीजिएगा 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6, ठीक है 2 डिवाइड्स 8, 2 डिवाइड्स 16, 2 डिवाइड्स 20, 2 डिवाइड्स 22, 2 डिवाइड्स 24। ठीक है, अब फोर चेक करिए आप, 4 डिवाइड्स 8, 4 डिवाइड्स 16, 4 डिवाइड्स 20, 4 डिवाइड्स 24, सही है। अच्छा फिर क्या हमारे पास आया इसमें, 6 की अगर हम बात करें, 6 डिवाइड्स 12 एंड 6 डिवाइड्स 24। फिर 8 की बात कर लें, 8 डिवाइड्स 16, 8 डिवाइड्स 24। फिर 16 की बात कर लें, कुछ नहीं आएगा, 20 में नहीं आएगा, किसी में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और हर एलिमेंट अपने आप को डिवाइड तो करेगा ही करेगा, वो भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, जैसे 2.2, 4.4, 6.6, 8.8, ये भी सारे इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब 2.2, 4.4, 6.6, 8.8, 16.16, 20.20, 22.22, 24.24, ये हमने यहां पर एक क्या किया, एक्चुअल में एक रिलेशन बना दिया। ठीक है, जो इसमें कह रहा है उसके हिसाब से। अब हमें चेक करना है कि रिलेशन हमारा ये ट्रांजिटिव हुआ या नहीं हुआ। चेक करिए, 2.4 ये खत्म हुआ, 4 वाला हमारा 4.8 ही आया, तो क्या मेरे पास 2.8 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। 2.6 से खत्म हुआ, 6 से स्टार्ट होने वाला हमारे पास ये आया 6.12, 6.24, चेक करिए सारे 2.12 सारे मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। ऐसे आप सारे चेक करिए, अगर इस तरह की सारी पॉसिबिलिटीज मिल जाती हैं तो ट्रांसटिव हो जाएगा। चलिए अब एक और सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, बहुत सिंपल सा कि आपको समझ में आसानी से आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा x इज वाइफ ऑफ, अब आपको बता रहे हैं क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांसटिव होगा या नहीं होगा।
तो आपने देखा रिलेशन आर में एक्स को वाई तब आ रहा है जब एक्स वाई की वाइफ है, एक्स वाइफ ऑफ वाई, ठीक। ट्रांसटिव होने के लिए वाई कॉमा जेड आना चाहिए मेरे पास। तो अगर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, सो एक्स इज फीमेल, वाई इज मेल, सो क्या वाई कॉमा जेड आ सकता है मेरे पास? मतलब वाई इज वाइफ ऑफ जेड, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई कॉमा जेड टाइप की कोई चीज इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, ठीक। तो जब एक्स कॉमा वाई आ रहा है और वाई कॉमा जेड नहीं आ रहा है तो ट्रांसटिव फिर भी ये माना जाएगा। क्यों? अगर एक्स कॉमा वाई आ रहा था और अगर वाई कॉमा जेड भी आता तो मैं कहता एक्स कॉमा जेड भी आना चाहिए, लेकिन जब वाई कॉमा जेड ही नहीं आ रहा है तो मुझे एक्स कॉमा जेड की नीड यहां पर नहीं है। तो वन मार्क क्वेश्चन है जो बनता है, यहां पर ध्यान रखिएगा। तो रिलेशन हमारा ट्रांसटिव कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जब वाई कॉमा जेड ही नहीं आ रहा है तो एक्स कॉमा जेड हम चेक नहीं करेंगे फिर इसमें, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा इक्विवेलेंस। बहुत सिंपल सी बात है, आ रिलेशन इज सेड टू इक्विवेलेंस व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। सवाल हमारा 4-6 का ऐसे ही बनता है, रिलेशन दे देगा, कहेगा इसको प्रूव करिए इक्विवेलेंस है, तो हम उसको सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक प्रूव करेंगे और ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे, और अगर तीनों चीजें मिल जाएंगी तो हम कहेंगे रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ये बात रही हमारी टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इस तरह क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।